इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त तकदीद की है कि वैक्सीन को किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं किया जा सकता और इस मामले को लेकर पीएम मोदी अलर्ट मोड में हैं। इसकी वानगी कल देखने को मिली जब उन्होंने मीटिंग की। जब उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा बैठक की, हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और इसे बढ़ाने के रोड मैप के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में है और उनको जरूरी सुविधा और वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए जाने की समीक्षा की है। अधिकारियों ने आंकड़े के साथ वैक्सीन लगाए जाने के बारे में बताया है। साथ ही ये बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में साल भर के अंदर कोरोना का टीका बनाने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की और साथ ही पीएम ने कहा कि यह अप्रत्याशित है और इतनी बड़ी आपदा से देश की जनता को उबारने के लिए एक साल में टीका बनाना एक ऐतिहासिक काम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन की बर्बादी की संख्या अभी ज्यादा है और उसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। देश में वैक्सीन की रफ्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल किए थे। वैक्सीन नीति के बारे में केंद्र को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद मोदी सरकार की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अगले 2 हफ्ते के अंदर ही केंद्र को वैक्सीन को लेकर पूरा हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। साथ ही वैक्सीन की रफ्तार तेज करने के लिए केंद्र का क्या मास्टर प्लान है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बताना होगा। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।